न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जावेद। हम रखिए खबरों पे नजर, आप रखिए खबरनामे पे नजर। शहर की तारीखी मक्का मस्जिद जो चार मीनार के दामन में वाकई है, इसी मक्का मस्जिद में 18 मई 2007 को एक इंतहाई दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। 18 मई 2007 यानी जुमा का दिन नमाज के दौरान हुआ एक धमाका जिसमें 16 अफराद जान बहक हुए और कई जख्मी हुए। सबको अफरा तफरी के माहौल में करीबी अस्पताल मुंतकल किया गया। इस अफरा तफरी के माहौल में पुलिस ने फायरिंग भी की जिसमें मजीद मुसलमान फौत हुए। अब इंतखाबात का वक्त करीब है नाज़रीन, तो हम मुसलमानों को एक दौरे हुकूमत में ले जाएंगे जहां मुसलमानों पर किया हुआ तारीखी मक्का मस्जिद में सेल फोन के जरिए बॉम्ब ब्लास्ट और बाबरी मस्जिद का सौदा। ये मुसलमानों के लिए अहम मस्जिद थी, पर कांग्रेस के दौरे हुकूमत ने मुसलमानों के सामने बाबरी मस्जिद का सौदा किया। हैदराबाद की मशहूर मक्का मस्जिद में हुए इंतहाई दिल खराश वाकये के बाद जब सभी मुसलमान गम के आलम में थे, इसी बीच पुलिस ने कई मुस्लिम नौजवानों को हिरासत में लेते हुए बेकसूर नौजवानों पर जुल्म व ज्यादती की। इन्हें जहनी और जिस्मानी तौर पर तशद्दुद किया गया, सख्ती से मारपीट की गई। इन पर मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट करने का इल्जाम लगाया गया। बाद अजां सभी को अदम सबूत की बिना पर रिहा किया गया। इस 2007 की हुकूमत ने तारीखी मक्का मस्जिद में जाँ बहक होने वाले मुसलमानों को इंसाफ दिलाने में नाकाम रही।